अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है मार्बल केक की। सबसे पहले उनके इंग्रेडिएंट बता दूं आपको। हमने यहां पे अंडे लिए हैं 4 अदद, मैदा हमने लिया है यहां पे 250 ग्राम, मक्खन हमने लिया है यहां पे 200 ग्राम, दूध हमने लिया है यहां पर 1 खाने का चम्मच, वनीला एसेंस हमने लिया है यहां पे 1 खाने का चम्मच, कोको पाउडर हमने लिया है यहां पे 2 खाने के चम्मच, चीनी हमने यहां पे ली है 200 ग्राम, और बेकिंग पाउडर लिया है हमने यहाँ पे 2 खाने के चम्मचे। चलिए व्यूवर्स, फिर हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऐसे एक बाउल लेना है जिसके अंदर बैटर तैयार करना है। उसके अंदर हमने 200 ग्राम मक्खन डालना है। ये चीनी जो हमने ली थी 200 ग्राम ये डालनी है, और बीटर की मदद से इसको बहुत ज़्यादा बीट करना है। फिर इसके अंदर 4 अंडे हमने जो लिए हैं वो डाल के अच्छे तरीके से बीट करना है। व्यूवर्स, अब ये देखिए हमारा इस तरह हो गया। तो इस टाइम पर आके अपना जो मैदा लिया है वो डाल देना है। ये जो हमने बेकिंग पाउडर लिया था ये डाल के फिर इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। इसको बीटर से पूरा करके इसके अंदर वनीला एसेंस डाल के अच्छी तरह इसको बीट करके मैंने इसको 2 हिस्सों में कर दिया है। ये जो वाला हिस्सा है इसके अंदर हम लोग कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच जो हमने लिया था, और दूध जो हमने 1 खाने का चम्मच लिया था, इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा साइडों पे लगा इस तरह से। देखिए व्यूवर, ये हमारे दोनों बैटर तैयार हो चुके हैं। ये है नॉर्मल मैं और ये चॉकलेट वाला। अच्छा, अब आप जिस हमारे मैंने पैन ली है जिसके अंदर मैंने इसको बनाना है, इसके अंदर ब्रश से सबसे पहले आप ऑयल लगा लें। अब ये देखें, ये इस तरह का घर पे पेपर होता है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ये भी है। इसका भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह बना सकते हैं, इसकी वीडियो आपको दूंगा। इसको आप इस तरह रख के और इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर वॉलिंग देंगे। ये देखें, बिल्कुल बटर पेपर की तरह आपको लोग आएगा इसका। इसके अंदर सबसे पहले आपने ये वाला लेना है चॉकलेट वाला, इसको डालना है। उसके बाद ये वाला लेना है, इसको इस बिल्कुल ऊपर डाल देना। इसी तरह सारे करना। जी व्यूवर्स, ये देखिए हमारा ये पूरा बैटर तैयार हो चुका है।
अब इसका भी हमने इस तरह की कोई भी टूथपिक ले लेनी है, और सबसे पहले इसको ये ऊपर करना है, और फिर यहाँ से नीचे करना है, फिर इधर जाना है, आप कोई भी डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। देखिए इसका डिज़ाइन आता जा रहा है। अब इसको हमने जो हमने पहले से प्रीहीट अपना ये किया हुआ है पतीला, इसके अंदर रखना है और 45 मिनट के लिए इसको बेक करना है। बीच में मैं इसको 30 मिनट्स के बाद चेक भी करूँगा कि ये हो गया कि नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर इसको फाइनली 45 मिनट्स पर हम देखेंगे। और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं इसको तो 180 डिग्री के ऊपर आप इसको 30 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हम इसको हम इसमें रख रहे हैं पतीले में, इसको बड़े प्यार से रखना है। जी व्यूअर देखिए हमारे 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देखते हैं। ये आप किसी भी चीज़ से किसी भी इससे चेक कर सकते हैं। ये देखिए रेडी हो चुका है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे केक तैयार हो चुका है, कितना ज़बरदस्त है। अब आप देखिए इसको हम कट करके आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर, हमारा केक कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमें हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं कि हम लोग आके अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए लेके आएं, हमारा साथ दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।